We were going through the plot summary of the story celebration in the last video, so we are going to continue from here. कोहिला अपने घर जा रही है, उसके शरीर से पसीना बह रहा है, उसके कंधे पर रखा हुआ गमछा या गमोसा, उससे वह अपने चेहरे को पोंछ रही है। अब वह अपने पुराने जीवन को याद कर रही है कि उसकी लाइफ पहले ऐसे पथेटिक नहीं थी, पहले उसकी लाइफ बहुत अच्छी थी जब उसके हस्बैंड जिंदा थे और उसकी एक बड़ी सी फैमिली हुआ करती थी, प्यार से भरी और बहुत बड़ी हैप्पी फैमिली। पर उसका इल फेट या दुर्भाग्य तब शुरू हुआ जब उसके चिल्ड्रन वन बाय वन मरने लगे। उसका सबसे बड़ा बेटा फीवर से मर गया और एक बेटा बम ब्लास्ट में मर चुका है। शी हैड मैनी डॉटर्स, सम ऑफ विच आर हैप्पीली मैरिड नाउ बट लिव फार अवे फ्रॉम हर। वन ऑफ हर डॉटर रैन अवे फ्रॉम होम एंड शी नेवर केम बैक, वाइल वन वॉज बॉर्न डेफ एंड डम। सो नाउ कंपेयरिंग फ्रॉम हर पास्ट, She has very few members left in her family, and that is why she feels alone. फिर वो recall करती है कि जब उसके husband की death हुई थी, तो जो death के बाद के rituals होते हैं, उन्हें मनाने के लिए, उन्हें पूरा करने के लिए, उसकी सभी बेटियां अपने husband के साथ इकट्ठा हुई थी, और श्रद्धा या अंतिम rituals को उन्होंने पूरा किया था। इस दौरान उसे अकेला फील नहीं हो रहा था, कोहिला को अकेला फील नहीं हो रहा था। बट आफ्टर द रिचुअल्स वर ओवर, दे ऑल वेंट बैक टू देयर अबोर्ड और देयर होम एंड द फैमिली श्रैंक अगेन। मतलब उसकी फैमिली, कोहिला की फैमिली फिर से छोटी हो गई जब उसकी बेटियां वापस चली गईं। इसके अलावा जब उसके हस्बैंड की डेथ हो गई तो उस पर परिवार को चलाने की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। कोहिला के हस्बैंड का एक बहुत बड़ा फिश सेलिंग का बिजनेस हुआ करता था, पर अब कोहिला उस तरह से उस बिजनेस को नहीं चला सकती क्योंकि फिश सेलिंग का उसे कोई ज्ञान नहीं है। कोहिला ने इससे पहले कभी भी घर के बाहर की जिम्मेदारियों को नहीं संभाला था, इसलिए सभी चीज़ें उसके लिए बहुत नई थी। हालांकि इन सब चीज़ों में कोहिला के साथ बुरा ही हुआ, पर एक चीज़ जो उसके लिए कुछ पॉजिटिव हुई वो ये कि अपने हस्बैंड की डेथ के बाद कोहिला फिर से कोहिला बाई बन गई, जो उसका एक्चुअल नाम था। यहाँ इस बात को डिस्क्राइब करके राइटर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की साइकोलॉजी को बता रही हैं कि जब महिलाएं हाउसवाइफ्स होती हैं, हाउस होल्ड चोर्स करती हैं, तो उनके कार्य को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता और वे अपनी आइडेंटिटी खो देती हैं। दे लूज देयर आइडेंटिटी जस्ट बिकॉज दे डोंट अर्न। कोहिला बाई गेन्स बैक हर आइडेंटिटी व्हेन शी टेक्स द चार्ज ऑफ बिकमिंग द ब्रेड अर्नर फॉर द फैमिली इवन दो शी हैड नेवर वॉन्टेड इट टू हैपन। इस प्रकार से यहाँ राइटर ये बताना चाहती हैं कि जब तक महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलेंगी, उनकी आइडेंटिटी को रिकग्नाइज नहीं किया जाएगा, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि महिलाएं इंडिपेंडेंट बनें। इसके अलावा कोहिला याद करती है कि जब उसके हस्बैंड जिंदा थे तो उन्होंने कभी भी उसकी ब्यूटी को या उसके गुणों को अप्रिशिएट नहीं किया। दिस इज़ ऑल्सो एन आयरोनिकल सटायर ऑन द टिपिकल मेल मेंटेलिटी that they never appreciate women for their qualities and their virtues because they always think they are superior. हालांकि पहले कोहिला बहुत सुंदर हुआ करती थी, पर अब सारा दिन धूप में काम करने से her skin has become darker and rougher now. और वह पेन में भगवान से रोते हुए कहती है, How much longer, O Lord, how much longer will this ordeal of selling fish under an angry sun have to be carried on? अर्थात भगवान, कब तक मुझे इस तरीके से धूप में फिश बेचनी पड़ेंगी और मेरे कष्ट कब समाप्त होंगे? फिर वह अपने आप को कंसोल करते हुए ये सोचती है कि उसका एक पोता भी है जो आगे चलकर बड़ा होगा और बड़ी बड़ी फिश पकड़ेगा और उन्हें बेचेगा और उसके दुखों को कम कर देगा। One day he will grow up a big man who will deal in big fish. फिर कोहिला रास्ते में चलते हुए याद करती है कि इन सब दुखों के बावजूद अ स्मॉल विंडो ऑफ हैप्पीनेस वॉज ओपन्ड इन देयर लाइव्स व्हेन शी मैरिड ऑफ हिज सन एंड द न्यू ब्राइड फिल्ड देयर एम्प्टी होम विथ लव एंड हैप्पीनेस। जब उसके बेटे की शादी हुई और उसके घर में बहू आई, उसका घर परिवार फिर से भर गया। पर दुर्भाग्य ने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि कुछ समय बाद एक बॉम्ब ब्लास्ट में उसके बेटे की मौत हो गई। अब राइटर यहाँ पर पॉलिटिकल लीडर्स पर आयरनी करते हुए कहती हैं कि उस एक्सप्लोजन में कोहिला का सब कुछ चला गया, परंतु गवर्नमेंट या पॉलिटिकल लीडर्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।